तेईस हरियाणा की सभी वीडियो देखने और अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर प्रेस करना न भूलें। जी, मेरा नाम दीक्षा है, मैं जंडवाला बिश्नोईयान से, और मैंने अब HSC IIT का कोर्स किया। ये 3 महीने का कोर्स है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी है। यहाँ हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और माहौल भी बहुत अच्छा है। और सभी लड़कियों से अनुरोध है कि HSC IIT का कोर्स ज़रूर करें और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी है, सभी को करना चाहिए। मेरा नाम कृतिका है, मैं यहाँ HSC IIT सेंटर में एग्ज़ाम देने आई हूँ। मैंने 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे आशा है कि मैं काफ़ी अच्छे नंबर करूँगी, पर मैं सभी लड़कियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसीलिए इसमें हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे हमें आज की तकनीकों के बारे में पता लगता है। नाम दर्शना है, मैं सेकड़ा से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी HSC IIT की है, आज मेरा एग्ज़ाम हुआ है। ये HSC IIT का कोर्स मैं सभी लड़कियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि HSC IIT का कोर्स यहाँ बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ गोरीवाला सेंटर से HSC IIT करें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं प्रवीण फ्रॉम दारेवाला, एंड जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से कंप्यूटर कोर्स करना स्टार्ट किया था तो बहुत नर्वस थी। आई डोंट थिंक कैसा स्टाफ होगा, स्टूडेंट कैसे होंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ जैसे जैसे आते गए, रेगुलरली ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई, इंटरनेट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एंड टीचर्स एंड स्टाफ बहुत अच्छा है। विक्रम सर ने स्पेशली हमें बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज़ की नॉलेज दी कंप्यूटर के बारे में, और जो भी आगे यहाँ पे इस सेंटर में आने के बाद पता चला कि यहाँ हमारे अंदर कुछ है, हुनर है। और सर ने हमें कहा कि स्टेनोग्राफी की भी तैयारी करो, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी की कोचिंग दी जाती है, तो वो भी हम कर रहे हैं साथ साथ। आगे भी यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ NGSS सेंटर ज्वाइन करो। मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव पनीवाला मोटा से हूँ। मैंने ओडा से HSC IIT से कंप्यूटर कोर्स किया है। अब हमारा एग्जाम है 3 मंथ के बाद, और बहुत अच्छे से मतलब हमने टीचर ने पढ़ाया है। हाँ, यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से मतलब कर सके हैं ये कंप्यूटर का कोर्स। कंप्यूटर कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम आशीष है, मैं डवाली से हूँ। मैंने HSC IIT का कोर्स किया है, 3 महीने का है, और यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वर्ड, नोटपैड और HTML वगैरह सब, इंटरनेट की भी जानकारी मिली। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ये कोर्स ज़रूर करें। मैं सर सख्ता खड़ा की रहने वाली हूँ और डवाली तहसील है, और मैं डवाली में ही कोचिंग क्लास लगाती हूँ कंप्यूटर की, और वहाँ पे हमें जो कंप्यूटर पे सिखाया गया है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि आज हम जो भी जॉब करना चाहते हैं या जो भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो हम प्राइवेट भी क्यों ना करना चाहते हों, लेकिन हमें सरकारी जॉब करने के लिए तो कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के इस युग में हर कोई
तरक्की चाहता है, हर कोई अपने आप को एक सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझना चाहता है, दिखाना चाहता है समाज को, देश को। और देश की तरक्की भी इसी में होगी कि हम कुछ करें। तो करने के लिए हमें सबसे पहले सरकारी जॉब के अंदर कंप्यूटर की आवश्यकता है, और यदि हम कंप्यूटर सीखेंगे तो वो एक जगह भी ऐसे होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को एक अलग वातावरण, एक अलग व्यवहार उनके साथ, कि घर वालों से प्यार जैसे हम करते हैं उसी प्रकार बच्चों से प्यार किया जाए, तभी वो कुछ कर सकते हैं। और हम डवाली में जो सेंटर हैं उसमें हम कर रहे हैं ये कोर्स, और वहाँ पे हमें जो टीचर हैं वो इतना प्यार देते हैं कि हम वहाँ पे कंप्यूटर की क्लास है ये समझ के नहीं, हम अपने परिवार जैसा समझ के उनके साथ कंप्यूटर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये HSCIT जो सेंटर है ये इसी प्रकार रहा तो आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और देश को आगे बढ़ाने में ये सफल होगा। स्टूडेंट्स, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे जाते हैं, उनमें से एक क्राइटेरिया आपको मिलेगा कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर का स्किल। जब भी कंप्यूटर ज्ञान या स्किल की बात आती है तो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपके पास ISO सर्टिफाइड या ऐसा कोई लोकल सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ चलने वाला नहीं। तो हमारा जो कोर्स है HSCIT, ये भिवानी बोर्ड से एफिलिएटेड है, और आप इसको जहाँ भी प्रोड्यूस करते हो हर जगह आपको ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको नॉर्म्स जो है उनको पूरा करेगा। सबसे पहली जानकारी तो ये थी। दूसरी जानकारी, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हो तो दूसरे कुछ कोर्सेज और हैं, जैसे हमारे टैली के कोर्सेज हैं, जैसे हमारा वेव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, वो भी आपको फुली सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जो कि भिवानी बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड है, और हर जगह जहाँ भी इसको आप प्रोड्यूस करोगे हर जगह ये बेहतरीन आपको रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं ये हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुल नहीं करता नॉर्म्स को। तो पहली बात तो ये एफिलिएटेड है। दूसरी बात, इसके अंदर भिवानी बोर्ड के इंक्लूड होने की वजह से इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपको बाकायदा फ्लाइंग आएगी, बाकायदा इसके अंदर आपके जो हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी भिवानी बोर्ड के द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का ISO के भ्रम में ना पड़े और HSCIT को ही फॉलो करना ज़्यादा बेटर रहता है। मेरा सभी बच्चों से एक संदेश है कि अगर आपको कंप्यूटर नॉर्म, अगर कंप्यूटर स्किल या कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी चाहिए तो NGSS गोरियाड़ा और यहाँ के कोर्स HSCIT को ही करें, क्योंकि यही एक एकमात्र कोर्स है जो भिवानी बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड है। ISO सर्टिफाइड से बचना